आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। वामदलों के आवागमन पर कोयला मजदूरों की 3 दिवसीय हड़ताल के समर्थन में माकपा ने शहीद बिरसा मुंडा के प्रतिमा स्थल पर कोयला खदानों तथा रेलवे एवं बैंक सेक्टर का निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कोयला खदानों, रेलवे और बैंकिंग सेक्टर के निजीकरण पर रोक लगाओ, मोदी सरकार होश में आओ, कॉरपोरेट लूट बंद करो आदि नारे लगाए। माकपा के जिला सचिव सुरेंद्र सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता, सहचत्रा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी अयूब खान ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा कोयला उद्योग को निजी हाथों में बेचकर कोल इंडिया को अपाहिज करने की है। यदि केंद्र सरकार अपने मंसूबों में कामयाब होती है तो क्षेत्र के कोयला कामगारों के साथ साथ रैयत गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगे। मजदूर और रैयत अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे, रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए जाएंगे। कोयला मजदूरों तथा प्रभावित लोगों को सही सम्मान और उचित वेतन नहीं मिल पाएगा। पेशा अधिनियम 1996 खनिज आवंटन में मिले ग्राम सभाओं के अधिकार भी दरकिनार कर दिए जाएंगे। वन अधिकार अधिनियम, जो जंगलों में किसी भी खनन के लिए ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है, उसको भी केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार समाप्त करने पर तुली हुई है। केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से कोल खदानों की निजीकरण और नीलामी के खिलाफ आज वामपंथी दलों की आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर आज लातेहार जिले में हम लोग यहां पर खदानों की निजीकरण के खिलाफ आज हम लोग प्रदर्शन किए हैं और खदानों की नीलामी का हम लोग विरोध करते हैं और जो भी नीलामी प्रक्रिया है उस पर रोक लगाने की मांग करते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के बीच में केंद्र की मोदी सरकार खदानों की नीलामी करना चाह रही है, इससे लाखों जो कोयला कामगार हैं वह बेरोजगार हो जाएंगे, उन्हें फिर से गुलामी की ओर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें बेरोजगार कर उन्हें भूखों मारने की कोशिश की जा रही है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और नीलामी की प्रक्रिया को तत्काल केंद्र सरकार यदि नहीं रोकती है तो कम्युनिस्ट पार्टियां नीलामी के खिलाफ तीखे आंदोलन छेड़ेंगी।